बेंगलोर, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हाल के वर्षों में हमने देखा कैसे बेंगलोर एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आज ही तेजी से शहर का न सिर्फ लैंडस्केप बेहतर कर रही है, इकोनॉमी को भी एनहांस कर रही है। हम सभी को पता है बेंगलोर आज देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी तो है ही, बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी प्रदान करता है। और इसीलिए शायद बेंगलोर आज आईटी सेक्टर से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस, एआई जैसे सेक्टर्स में बहुत आगे है। और इसे और भी आगे ले जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। आइए देखते हैं बेंगलोर के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े परियोजनाएं जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर प्रपोजल फेज में है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड परियोजना। शहर की ट्रैफिक को देखते हुए NHAI द्वारा साल 2022 में सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का फाउंडेशन स्टोन रखा। जिस तरह से डे बाय डे बेंगलुरु की ट्रैफिक इनहेंस हो रही है, उस नजरिए से यह रिंग रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। और इसीलिए NHAI सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के रूप में 288 किलोमीटर का सेक्शन आज डेवलप कर रही है। बताया जाता है कि रिंग रोड का 243 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक में, वहीं 45 किलोमीटर का सेक्शन तमिलनाडु में होगा, जिसे 60-70 मीटर चौड़ी सड़क के तर्ज पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत डेवलप कर रही। अब तक 88 किलोमीटर का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट जानकारी के अनुसार पूरी सैटेलाइट टाउन रिंग रोड 2025 तक डेडलाइन दे रखी है, बट मेरे अनुसार 2027 से 2030 तक का समय लग सकता है। इस सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पर और गहराई पर जाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ CCTV कैमरा से लेकर LED ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, सोलर पैनल्स, मेटल्स बैरियर जैसे कई सारी सुविधाएं होगी। पूरा प्रोजेक्ट 3 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, जिसे 10 अलग अलग पैकेज में बनाया जाना है। फिलहाल आज के डेट में 5 पैकेज पर काम शुरू हो गया है, जो कि एक 6 लेन रिंग रोड के तर्ज पर 17,000 करोड़ की लागत से डेवलप हो रहा है। डेवलप होने से न सिर्फ शहर की कनेक्टिविटी स्मूथ करेगी, बल्कि लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करेगा। और इसीलिए इसे प्रस्तावित भी करी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सड़क बन रही है, वैसे वैसे उस एरिया में रियल इस्टेट में बूस्ट मिल रहा है। और इसीलिए सैटेलाइट टाउन रिंग रोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है। अब देखते हैं कब तक बनकर तैयार होती है। बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड की तरह ही बेंगलुरु में दूसरा पेरिफेरल रिंग रोड को प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना को BDA द्वारा यानी कि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव किया है। यह एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे रिंग रोड है, जिसे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करेगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 6 लेन का सर्विस लेन के साथ पूरा 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल होगा, यानी पूरा सेक्शन 14 लेन के तर्ज पर विकसित होगा, जो BDA की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो पूरा सेक्शन 74 किलोमीटर का होगा। बताया जाता है कि इसे स्टेट गवर्नमेंट 2022 फरवरी में अप्रूव करी है, जो कि टोटल 2600 एकड़ लैंड को एक्वायर करनी बाकी है, जिसके लिए टोटल तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। देखते हैं कब तक डेवलप हो पाती है, वैसे इसकी डेडलाइन 2027 फिक्स कर रखी है। अगर इसके बारे में फिलहाल करंट न्यूज के बारे में बात करें तो फिलहाल प्रोजेक्ट अंडर बिडिंग है, बट यह प्रोजेक्ट काफी पुराना है, 17 साल पुराना यह प्रोजेक्ट है, जिसे पहली बार 2007 में प्लान किया गया था। हालांकि लैंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अब तक बन नहीं पाई है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 तक डेवलप हो पाती है या नहीं हो पाती, ऐसा में इस पर कह पाना मुश्किल है, बट हाँ इन फ्यूचर में आपको ये रिंग रोड जरूर बनते हुए देख सकते हैं, जो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। बेंगलोर मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। बेंगलुरु मेट्रो, जिसे लोकली नमा मेट्रो भी कहा जाता है, फिलहाल बेंगलुरु मेट्रो फेस 1 ही ऑपरेशनल है, जो टोटल 73 किलोमीटर का सेक्शन है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यह बेंगलोर मेट्रो का ऑपरेशनल लाइन है, जो कि पर्पल और ग्रीन लाइन के तर्ज पर ऑपरेशनल है। वहीं जिस तरह से शहर का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे नमा मेट्रो को भी एक्सटेंशन करने का प्लान तैयार किया गया है। आज बेंगलुरु मेट्रो 3 अलग अलग फेसेस में काम कर रहा है, फेज 2, फेज 2A और फेज 2B, जो बेसिकली येलो लाइन, ब्लू लाइन और पिंक लाइन के तर्ज पर विकसित कर रही है।
बट जो एग्जिस्टिंग लाइन है जैसे पर्पल लाइन वो 42 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें टोटल 37 स्टेशन है। वहीं ग्रीन लाइन जो ऑपरेशनल है वह नागासंद्रा से सिल्क इंस्टीट्यूट तक बनाई गई है, जो पूरा सेक्शन 30 किलोमीटर का है, इसके अंतर्गत 29 स्टेशन ऑपरेशनल है। बट जो लाइन फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है, जिस पर आज के डेट में काम चल रहा है, वह है कृष्णा राजा पूरा से किया टर्मिनल तक, जो कि पूरा सेक्शन 30.44 किलोमीटर का है। वहीं दूसरा कॉरिडोर सेंट्रल सिल्क रोड से कृष्णा राजा पूरा तक 19.75 किलोमीटर सेक्शन। वहीं तीसरा सेक्शन नागासंद्रा से मडावोरा, बोमासंद्रा से आरबी रोड, कलिना अग्रहा से नागामडा तक। वहीं इसके अलावा जल्द ही रिंग रोड लाइन और बोमासंद्रा से होसुर रेलवे स्टेशन तक भी कंस्ट्रक्शन किया जाना प्रस्तावित है। उम्मीद करेंगे नम्मा मेट्रो, जिस पर आज के डेट में ये सारी परियोजनाओं पर डिस्कस हो रही है या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जल्द से जल्द बनेगी तो निश्चित तौर पर यह बेंगलोर के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करेगी। तो देखते हैं ये सारे कब तक बनकर तैयार होते हैं। वैसे 2030 तक ये सारे बनकर तैयार हो सकते हैं। सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट बेंगलोर सिटी की लाइफ लाइन के तर्ज पर प्रपोज्ड किया गया सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट के राइड की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रोजेक्ट 4 अलग अलग कॉरिडोर के रूप में प्रस्तावित किया गया, जो टोटल 141 किलोमीटर का सेक्शन है। फिलहाल तो 8 किलोमीटर का सेक्शन में काम चल रहा है, बट पूरी सब अर्बन रेल 2026 तक डेडलाइन दे रखी है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जून 20 2023 को ही रखा गया है। बट यहाँ एक सवाल भी है, क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटका में हाल ही में सरकार भी बदली गई है। ऐसे में ये सारी परियोजनाएं जो कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर रोक लगाती है, या फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा, ये कह पाना मुश्किल है। बट ये सवाल जरूर है, यदि यह 2026 तक बनकर तैयार होती है तो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ होगी और बेंगलोर सिटी के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करेगा। अगर डिटेल में जाना है तो मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये 4 कॉरिडोर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज कर आप सभी कॉरिडोर को ध्यान से देख सकते हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल कॉरिडोर 2 और कॉरिडोर 4 LNT द्वारा डेवलप कर रही है, जो कि 2026 तक इसकी डेडलाइन दे रखी है। देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। निश्चित तौर पर यह बेंगलोर के लिए लाइफ लाइन की तरह काम करेगा। वहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज बेंगलोर में सिर्फ इतने ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। नॉर्थ बेंगलोर को जो कि काफ़ी सालों तक इग्नोर किया गया है, वहाँ भी आज काफ़ी सारे परियोजनाओं पर काम हो रहा है। एक IT हब के रूप में विकसित कर रही है, जहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नॉर्थ बेंगलोर आज पूरे बेंगलोर के लिए इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है, जहाँ एक से एक बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम हो रहा है। ऐसे में इस पर एक अलग से वीडियो लाना सबसे पहला प्राथमिकता होगा, और इसीलिए जल्द ही नॉर्थ बेंगलोर से रिलेटेड एक जल्द ही अलग वीडियो आने वाली है। ऐसे में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। और हाँ, भारत सरकार बेंगलोर को ना सिर्फ इतना ही परियोजना, बल्कि बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे, बेंगलोर सूरत एक्सप्रेसवे, कोरमंगला वाटरवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट आज भारत सरकार यहाँ पर काम कर रही है और बेंगलोर को एक नई दिशा में ले जा रही है। उम्मीद करेंगे कि ये सारे परियोजनाएं निर्धारित समय से पहले तैयार हो और बेंगलोर को अपनी एक नई पहचान के साथ ग्लोबली आगे ले जाए। फिलहाल चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।